हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो? और उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त करके ऐसे होंगे और भाई को भी दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों, हमारे पास ये LCD चाइना की 17 इंच की बनने के लिए आई है, तो इसमें ये फॉल्ट शो हो रहा है, ये ऑन है। ये देखो, इसके में पैनल में ये फॉल्ट शो हो रहा है, कभी डिस्प्ले आ जाता है तो कभी डिस्प्ले चला जाता है। तो एक मरतबा में फिर पावर ऑफ किया, पावर ऑफ कर दिया, तो अभी चेक कराता हूँ अब दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, अभी ऑन हो रही, इसमें ये पैनल में ये मसला आ रहा है, ये देखो। तो कभी कभार ये पैनल डिस्प्ले आ जाता है, कभी नहीं आता है। ठीक है देखो, अभी पहले डिस्प्ले आ गया था, अभी नहीं आ रहा है, तो अभी अब फिर आ गया। तो इसमें ये पैनल में फॉल्ट आ रहा है, तो ये फॉल्ट आज रिपेयर करते हैं। और अगर कोई दोस्त चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखें, ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को टाइम पे मिले। तो साथ साथ लाइक भी किया करो, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके, हम अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कर सके। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ये तो दोस्तों, इसका पैनल नंबर, मॉडल नंबर ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ। मॉडल नंबर है M170E G01। ठीक है दोस्तों, ये मॉडल नंबर है इसका। तो मैंने पैनल इसका ओपन कर लिया है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी वोल्ट भी चेक कर लिए हैं सारे वोल्ट। अब दोस्तों को अमूमन पता होगा, तो इसमें वोल्ट कौन कौन से चेक करने होंगे। दोस्तों अमूमन इसमें जो 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट आने चाहिए, अगर 5 वोल्ट का पैनल है तो 5 वोल्ट आने चाहिए। ठीक है, तो इसके सारे वोल्ट ठीक बन रहे थे, VGL VGH सारे ठीक बन रहे थे, इसके 3.3 ये मिस आ रहे थे। ये 3.3 वाला जो ये टास्टर है, तो मैंने ओपन करके चेक किया तो फिर भी ये मसला आ रहा है, तो फिर मैंने वापसी लगाया। तो अभी चेक कर रहे हैं तो 3.3 नहीं बना रहा, 3.3 की जगह पे 1.1 बना रहा है, तो इस वजह से ये वीडियो में मसला आ रहा है। तो अभी ना अपन यहाँ पे रेगुलेटर सर्किट लगा के आप दोस्तों को चेक कराते हैं, इसके बाद पैनल चेक करते हैं इसका, अपना पैनल रेडी हुआ कि नहीं। बाकी वोल्ट मैंने सारे चेक किए थे, ओके आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसमें रेगुलेटर यहाँ पर लगा के चेक करता हूँ, उसके बाद आप दोस्तों को बताता हूँ भाई इसमें रेगुलेटर लगाने से मसला हल हुआ या नहीं। जी तो दोस्तों, ये मैंने रेगुलेटर सर्किट लगा दिया है, यहाँ पे ग्राउंड दी हुई है और इसके यहाँ पे 5 वोल्ट दिए हुए हैं। तो थोड़ा मैं तस्वीर क्लियर कर लूँ। जी तो दोस्तों, ये मैंने रेगुलेटर सर्किट लगा लिया है, तो यहाँ से ये 5 वोल्ट लेने आ रहे थे, ये फ्यूज़ के इस तरफ से मैंने इसको 5 वोल्ट दिए हैं। ठीक है, ये 5 वोल्ट दिए हैं और ये ग्राउंड से टच किए और यहाँ से 3.3 टच किया है। ठीक है, तो 3.3 इसके मिस आ रहे थे पैनल के, तो ये मैंने 3.3 यहाँ पे पॉइंट उठा के यहाँ पे दे दिए आउटपुट पे, तो ये अपना पैनल बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये आप दोस्तों को चेक भी करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पैनल चेक भी करा देता हूँ। अभी 220 की तार लगा रहा, सप्लाई इसमें आ गई। ठीक है दोस्तों, ये सप्लाई इसकी आ गई। ठीक है दोस्तों, ये पैनल बिल्कुल रेडी हो गया, तो इसमें जो पहले मसला आ रहा था इसकी वीडियो जा रही थी, तो अभी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना दोस्तों, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।